नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और आप देखिए HBNN बुलेटिन। सबसे पहले बताते हैं आपको कोरोना अपडेट। अब जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर 129 मरीज इटारसी में ही सामने आए हैं। जिले में अभी तक कुल पॉजिटिव मरीज 897 सामने आ चुके हैं और फिलहाल एक्टिव केस 332 हैं। इटारसी शहर में आज कुल 29 पॉजिटिव मरीज आए हैं, जबकि 3 पीड़ित मरीजों की मौत हो गई है और 1 संदिग्ध मरीज की भी मौत होने की जानकारी सामने आई है। इधर जिले में 37 मरीज आज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पथरोटा की रोजगार सहायक ज्योति चौधरी ने मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी हड़प ली है। पथरोटा पंचायत में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों ने यह आरोप लगाया है। जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम से मजदूरों ने शिकायत की है कि रोजगार सहायक ज्योति चौधरी ने पौधरोपण सेक्टर में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान फर्जी खातों में डालकर उस राशि को विड्रॉल कर लिया है। महिला मजदूरों ने बताया कि ग्राम सहायक द्वारा फर्जी मस्टर रोल भरकर आशा कार्यकर्ता और पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर के खाते में राशि डाली जा रही है। बहुत जल्द हम एक और घोटाला उजागर करेंगे जो केसला विकास खंड में हुआ है। पिछले दिनों सैनिटाइजर और मास्क में बड़ा घोटाला किया गया है, जो हम जल्द ही आपके सामने उजागर करेंगे। ग्राम ब्यावरा के नन्हेलाल चौधरी के खेत के कुएं में 9 फीट का सांप बैठा था। नन्हेलाल चौधरी ने इस बात की जानकारी सरपंच अभिजीत को दी। अभिजीत ने इस सांप को 45 फीट गहरे कुएं से निकाला है। सांप को तबानगर के जंगल में रिलीज किया गया है। अभिजीत ने बताया कि यह सांप घोड़ा पछाड़ था और इसकी लंबाई करीब 9 फीट थी। आज केसला विकास खंड के ग्राम पीपलढाना बाबई खोर्द जमानी में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत बने आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। इधर जमानी पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम झालपा में गौशाला का भूमि पूजन भी किया गया। यहां 27 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण होगा। इसका भूमि पूजन सिवनीमालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने किया। इस दौरान CEO वंदना केथल, नायब तहसीलदार पूनम साहू सहित सरपंच माखन इब्ने, योगेंद्र पटेल, दिनेश महतो सहित ग्रामवासी मौजूद थे।